और इसी बीच आ रहे इस वक्त की बड़ी जानकारी से तमाम दर्शकों को रूबरू करवा दे, एक बार फिर से टीवी 45 की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। रामगढ़ का यह मामला, रामगढ़ और हजारीबाग को जोड़ने वाले पुल को लेकर टीवी 45 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और खबर के दिखाने के बाद हजारीबाग सांसद ने पुल यहां का निरीक्षण किया। गिद्दी पुल दुर्घटना को निमंत्रण दे रहा है, खबर चलाने के बाद सांसद मनीष जायसवाल ने इसका संज्ञान लिया। तो टीवी 45 की खबर का बड़ा असर देखने को मिला, खबर दिखाने के बाद सांसद ने संज्ञान लिया। सांसद मनीष जायसवाल ने पुल का निरीक्षण किया, गिद्दी पुल को लेकर टीवी 45 ने खबर को दिखाया था और अब खबर चलाने के बाद मनीष जायसवाल ने इस खबर का संज्ञान लिया और निरीक्षण किया है। कि बड़ी जानकारी, रामगढ़ और हजारीबाग को जोड़ने वाले पुल को लेकर टीवी 45 ने खबर दिखाई थी। आपको बता दें एक बार फिर से टीवी 45 की खबर का बड़ा असर देखने को मिला, रामगढ़ और हजारीबाग को जोड़ने वाले पुल को लेकर टीवी 45 ने खबर दिखाई, खबर के दिखाने के बाद हजारीबाग सांसद ने इसका निरीक्षण किया। गिद्दी पुल दुर्घटना को निमंत्रण दे रहा है, गिद्दी पुल दुर्घटना को निमंत्रण दे रहा है, इस खबर को टीवी 45 ने खबर प्रमुखता से दिखाया और इस खबर के चलाने के बाद सांसद मनीष जायसवाल ने इसका संज्ञान लिया। तो टीवी 45 की खबर का असर जो है वो देखने को मिला और सांसद ने निरीक्षण किया और सांसद से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अनुज ने। नए जो सांसद है मनीष जायसवाल इस समय मौजूद है, देख सकते हैं सबसे पहला गिद्दी और हजारीबाग का जो लाइफलाइन कहा जाता है ये खतरे को दस्तक दे रहा है, इसको लेकर हजारीबाग के जो नए सांसद है इनके द्वारा पुल का मुआयना किया जा रहा है और इसको देखा जा रहा है कि पुल में क्या कमी है, किस कारण से यहाँ पर कंपन हो रही, पूरे मामले को लेकर लगातार देखा जा रहा है। हम पूरे मामले को लेकर हजारीबाग के जो सांसद है उनसे जानने का कोशिश करते हैं कि लोगों का लंबे समय से डिमांड भी रहा पुल को लेकर। बहुत सबसे पहले टीवी 45 आपका स्वागत है, क्या कहेंगे पुल को लेकर? एक देखिए, हम लोग 20 तारीख को यहाँ पर आए थे, गाड़ी तो लोगों को, लोगों ने शिकायत किया था हम लोगों से कि भाई ये जो पुल है ये डैमेज है, ये हिलता है और बहुत बुरी तरीके से हिलता है, तो कभी दुर्घटना होने की संभावना है। तो हमने अपने स्तर से पता करने का प्रयास किया था कि राज्य सरकार ने सीसीएल ने लिख के दिया है कि हम सीएसआर मद से इसका पैसा देने के लिए तैयार हैं, जो पैसा लगेगा वो पैसा देंगे। तो ऐसा है, प्रपोजल बनना है राज्य सरकार की तरफ से पर उस पर काम होना, राज्य सरकार ने किसी एजेंसी को हायर किया है, वो एजेंसी जो है सॉइल टेस्टिंग के लिए 12 क्षेत्रों से अपना मैंडेट किया है और सॉइल टेस्टिंग आगे बढ़ेगा। तो एक ज्वाइंट मीटिंग हम लोग दोनों का सीसीएल के प्रबंधन का और राज्य सरकार का, तो प्रयास करेंगे कि जो मैटर है ये एक्सपर्टाइज होने से पहले हम लोग नए पुल का निर्माण कर सके और इस पुल को जो है एक बार फिर से दो जिला को जोड़ता है, कहा जा सकता है कि बहुत जल्द इसका जोड़ा किया। हम लोग प्रयास करेंगे कि दोनों जीर्णोद्धार भी हो इसका, कि नया पुल करने में टाइम लगे तब तक इसका जिम्मेदार हो। तो निश्चित तौर पर कहा कि पुल का मैंने डिसीजन किया है और बहुत जल्द हाई कमान लोगों से बात की जाएगी और पुल का अगर इसे निर्धार करना हो या नया बनाना हो इसका हर बिंदु पर पहल की जाएगी।